नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी प्रोटीन से संबंधित, क्योंकि आप मुझे बार बार कहते हो मैडम प्रोटीन पढ़ा दीजिए, मैडम कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दीजिए, कोई कहता है मैडम एनाटॉमी पढ़ा दीजिए, कोई कहता है मैडम हेल्थ साइंस पढ़ा दीजिए। बेटे, हमारे पास जितना समय है उस समय में मैं अपना समय निकाल करके आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार करी हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को देखना। अगर आपने इन क्वेश्चंस को सही तरीके से कर लिया तो मैं समझती हूँ आपने प्रोटीन पर काबू पा लिया है। अगर प्रोटीन पर काबू पाना है तो इन प्रश्नों का उत्तर तुम देखो और करो। चलो तो मैं शुरू करूं। पहला प्रश्न है, ये सुनो ध्यान से, पहला प्रश्न है, देखो, प्रोटीन की खोज की थी, सबसे पहले प्रोटीन की खोज की थी किसने? फंक ने या मुल्डर ने? दूसरा ऑप्शन मुल्डर, तीसरा बेस्ट एवं हंसमैन ने, और चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन इसका करेक्ट आंसर है? आप लोग तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन मुंह पर आना चाहिए, आंसर भी साथ में। आंसर क्या है? प्रोटीन की खोज की थी 1838 ईस्वी में डच साइंटिस्ट मुल्डर ने। इन्होंने ही बताया था। सॉरी, मैं तो क्वेश्चन का आंसर भी बताने लग गई। नो, रॉन्ग। चलो पहला बता दिया, अब आगे नहीं बताऊंगी, ठीक है? गलती भूल बस बता दिया बेटा, मैं भूल गई थी। चलो पहला प्रश्न है, प्रोटीन की खोज की थी किसने? मुल्डर ने, मैंने बता दिया, अब नहीं बताऊंगी। दूसरा, शरीर रचना की दृष्टि से देखा जाए तो प्रोटीन शरीर के शुष्क वजन का होता है। प्रश्न समझ में आया? शरीर रचना की दृष्टि से अगर देखें तो प्रोटीन शरीर के शुष्क वजन का होता है, मैंने ड्राई वेट का होता है, कितना? आधा भाग, पहला ऑप्शन। दूसरा, एक तिहाई भाग। तीसरा, 1/5 भाग। और चौथा, 1/4 भाग। कौन सा करेक्ट आंसर है? यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोटीन में सर्वाधिक परसेंटेज होता है किसका? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इनकी बनी होती है प्रोटीन। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत मात्रा किस तत्व की होती है, ये मैंने पूछा है, इसका आंसर आपको बताना है। सर्वाधिक मात्रा किस तत्व की होती है, इसका जवाब आप दीजिए। समझ गए? चौथा क्वेश्चन, प्रोटीन पाचन के उपरांत अमीनो अम्ल में टूटता है, और अमीनो अम्ल है क्या? क्षारीय पदार्थ या अम्लीय प्रकृति की, उदासीन प्रकृति की, या इनमें से कोई नहीं? अमीनो अम्ल की प्रकृति क्या है, ये प्रश्न को मैंने पूछा है। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर पांचवा है, निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं जीवनावश्यक है? निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल सर्वाधिक महत्वपूर्ण और जीवनावश्यक है? कौन सा अमीनो अम्ल जीवनावश्यक है, इसके बारे में आपको जवाब देना है। तो बताओ कौन सा है जीवनावश्यक अमीनो अम्ल? वैलिन, मैथियोनिन, ट्रिप्टोफैन या लाइसिन? फिर से प्रश्न सुनो, निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं जीवनावश्यक है? पहला वैलिन, दूसरा मेथियोनिन, तीसरा ट्रिप्टोफैन, चौथा लाइसिन। सही आंसर यू हैव टू गिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, टायरोसिन है आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, आंशिक रूप से आवश्यक अमीनो अम्ल, और इनमें से कोई नहीं? कौन सा इसका आंसर सही है? क्वेश्चन नंबर 7, उत्तम प्रकार का प्रोटीन प्राप्त होता है, उत्तम या कहो बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन किस में मिलता है? दालों से, प्राणिज भोज्य पदार्थों से, चावल से या मक्का से? प्रश्न सुन लिए?
उत्तम प्रकार के प्रोटीन प्राप्त होता है, पहला दालों से, दूसरा प्राणिज भोज्य पदार्थों से, तीसरा चावल से या चौथा मक्का से। इसका आंसर आपको देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अनाजों में कमी रहती है किसकी? अनाजों में कमी रहती है किसकी? लाइसिन की, मेथियोनिन की, या उपरोक्त दोनों की ही, या इनमें से कोई नहीं? ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देख लो 9वां। दूध का प्रोटीन कहलाता है, दूध के प्रोटीन को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आते हैं इसलिए बताती हूँ आपको मैं, आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे मैं ट्रिक भी बता दूंगी जब मैं आपको प्रोटीन चैप्टर पढ़ाऊंगी। तो देखो, दूध का प्रोटीन कहलाता है ग्लोब्यूलिन, लैक्टलबुमिन, जिन, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 10, मूंगफली की प्रोटीन होती है, मूंगफली की प्रोटीन होती है, पहला एमेंडिन, दूसरा इरेचिन, तीसरा ग्लूटेन, और चौथा आर्जेनिन, कौन सा होता है ये बताओ। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, प्रोटीन मूंगफली की प्रोटीन होती है, मूंगफली की प्रोटीन होती है एमेंडिन, एरेचिन, ग्लूटेनिन या आर्जेनिन। और क्वेश्चन नंबर 11वां, फलों में पाए जाने वाला जिलेटिन है, फलों में पाए जाने वाले, क्वेश्चन सुनना, फलों में पाया जाने वाला जिलेटिन है, बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एवरेज प्रकार का है। फलों में पाए जाने वाला जिलेटिन है, पहला पूर्ण प्रोटीन, दूसरा पूर्ण प्रोटीन, तीसरा आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन, या इनमें से कोई नहीं? और क्वेश्चन नंबर 12वां, न्यूक्लियो प्रोटीन उपस्थित रहता है, न्यूक्लियो प्रोटीन उपस्थित रहता है, पहला गेहूं के बीज कोष में, दूसरा अंडे में, तीसरा हीमोग्लोबिन में, चौथा कोशिका में, किस में मिलता है न्यूक्लियो प्रोटीन? क्वेश्चन नंबर 13वां, दूध में पाया जाने वाला लेसिथो प्रोटीन है, एक प्रकार का फास्फो प्रोटीन, या लाइपो प्रोटीन, या न्यूक्लियो प्रोटीन, या इनमें से कोई नहीं? फिर से क्वेश्चन बोलो, दूध में पाया जाने वाला लेसिथो प्रोटीन है, फास्फो प्रोटीन, लाइपो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, या इनमें से कोई नहीं? और लास्ट क्वेश्चन का मैं बता रही हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 14, मक्के का प्रोटीन कहलाता है जिन, मक्के में जो प्रोटीन होता है वो कहलाता है जिन, तो ये जिन क्या है, पूर्ण प्रोटीन या अपूर्ण प्रोटीन, या आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन, या इनमें से कोई नहीं? मक्के में जीन नामक प्रोटीन होता है, समझ गए? तो ये जो प्रोटीन है मक्का वाला, ये क्या पूर्ण प्रोटीन है, या पूर्ण प्रोटीन है, या आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन है, या इनमें से कोई नहीं? चलो समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 15वां, अस्थियों की प्रोटीन कहलाती है, अस्थियों की प्रोटीन कहलाती है, क्या कहते हैं अस्थियों की प्रोटीन को, कोलेजन, या ग्लोबिन, आर्डिन, या एल्बुमिन, क्या कहते हैं बताओ आप? खूब पढ़ाया है ब्लड जब पढ़ाया तो, है ना? चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, प्राणी जगत में प्राप्त होने वाला प्रोटीन होता है, प्राणी जगत में प्राप्त होने वाला प्रोटीन होता है पूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन, या उपरोक्त सभी? फिर से सुन लो,
प्राणी जगत से प्राप्त होने वाला प्रोटीन होता है पूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन या आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन, और चौथा उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर है सो तुम्हें ढूंढना है। और लास्ट प्रोटीन संबंधित प्रश्न, अनाज फल और सब्जियों में होता है, अनाज फल और सब्जियों में होता है पूर्ण प्रोटीन या अपूर्ण प्रोटीन या आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। समझ, अब आंसर आपको देना है, कौन सा दोगे? चलो मैं तो चाहती हूँ इसका आंसर ढूंढ, और मैं इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लेकिन बेटा तुम मुझसे ही मेहनत करवाते हो, कहते मैडम आप ही मेहनत करो, हम तो बस आप जो मेहनत करोगे उसको मैं रट लूंगी। है ना, चलो आंसर भी बताती हूँ, अंत तक वीडियो देखना, है ना, आंसर लास्ट में मिल रहा है। पहला है प्रश्न, प्रोटीन की खोज की थी सबसे पहले मुल्लर ने, आपको बता दिया था 1838 में। इसी ने बताया कि प्रत्येक प्राणी का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, और ये कोशिकाओं की खोज थी तो रॉबर्ट ने की थी, है ना, आपको पता है रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने बताया कि जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रोटीन की बनी होती हैं, 1838 में मुल्लर ने किया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, शरीर रचना की दृष्टि से देखा जाए तो प्रोटीन शरीर में हमारे जितना ड्राई वेट होता है उसका 50% भाग हमारा प्रोटीन होता है। समझ गए बात को, कितना भाग होता हमारा 50%, 50%, आधा भाग, 50% मतलब आधा भाग हमारे शुष्क वजन का प्रोटीन का बना होता है, जैसे त्वचा है, हड्डियां है, रक्त है, एंजाइम्स है, जो कुछ भी है, बाल है, नाखून है, सब प्रोटीन के बने होते हैं। समझ गए बात को। नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न पूछा था मैंने, प्रोटीन में सर्वाधिक परसेंटेज होता है किसका, मैंने पूछा था कार्बन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का या हाइड्रोजन का, तो सर्वाधिक जो परसेंटेज होता है वो कार्बन का होता है 50%, कितना होता है 50% कार्बन का होता है। ऑक्सीजन कितना होता है 32%, नाइट्रोजन कितना होता है 16%, हाइड्रोजन कितना होता है 7%। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, प्रोटीन पाचन के उपरांत अमीनो अम्ल में टूटता है, ये तो मालूम है आपको कि जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है सरलतम इकाई में तो बनता है ग्लूकोज, इसी तरह से जब प्रोटीन टूटेगा तो बनाएगा अमीनो अम्ल, और जब वसा टूटेगा तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल। तो जो अमीनो अम्ल है वह उसकी प्रकृति क्या है, मैंने प्रकृति पूछी, अमीनो अम्ल है तो उसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है, याद हो गया, अल्कलाइन प्रवृत्ति होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैंने पूछा था आपको पांचवा, शायद पूछ रही है ना पांचवा प्रश्न, देखो पांचवा प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, वैलिन, मैथियोलिन, ट्रिप्टोफैन या लाइसिन। मेरे प्यारे बच्चों 10 अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल है, 5 आंशिक रूप से आवश्यक अमीनो अम्ल है, और बाकी जो होता है सो अपूर्ण अमीनो अम्ल है, अनावश्यक अमीनो अम्ल है। समझ गए, अनावश्यक मतलब हमें जरूरत नहीं होती है, बॉडी उसका निर्माण स्वतः करता है। आवश्यक अमीनो अम्ल जिसको हमें ऊपर से लेना पड़ता है खाने के माध्यम से, दाल के माध्यम से लो, दूध के माध्यम से लो, मांस मछली अंडा के माध्यम से लो, चाहे जैसे भी लो, आवश्यक मतलब हमें बॉडी में लेना ही पड़ता है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैंने पूछा था तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ट्रिप्टोफैन, यह सभी प्रकार के प्राणिज भोज्य पदार्थों में प्रचुरता से मिलता है, खूब मात्रा में मिलता है प्राणिज भोज्य पदार्थों में। ठीक है, ट्रिप्टोफैन याद रखना, ट्रिप्टोफैन सभी प्रकार के प्राणिज भोज्य पदार्थों में इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है छठा, टायरोसिन है, टायरोसिन अभी मैंने बताया ना कुछ अमीनो अम्ल आवश्यक है, कुछ हमारे अमीनो अम्ल अनावश्यक है, तो टायरोसिन एक प्रकार के अनावश्यक अमीनो अम्ल है जो जिसका निर्माण हमारा बॉडी स्वतः ही कर लेता है, इसे हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो टायरोसिन एक प्रकार का अनावश्यक अमीनो अम्ल है।
आंसर क्या है? अनावश्यक अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो सातवां, उत्तम प्रकार के प्रोटीन प्राप्त होता है दालों, प्राप्त होता है किसमें? दालों से, प्राणी भोज्य पदार्थों से, चावल से या मक्का से? आंसर क्या होगा? सभी प्रकार के प्राणी भोज्य पदार्थों से उत्तम प्रकार की प्रोटीन की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आठवां देखो, अनाजों में कमी रहती है, किसकी रहती है? लाइसिन की। कैसे याद करोगे? मैंने बताया अभी आपको, बच्चा सबसे ज्यादा किसको पसंद करता है? माँ को। सी एम, सी फॉर चाइल्ड, एम फॉर मदर, बच्चा माँ को सबसे ज्यादा पसंद करता है। तो सीरियल में क्या रहता है? मैथियोनिन, याद हो जाएगा। और दाल, नौकरी वाले पसंद करते हैं पीएल को, उपार्जित अवकाश, है ना, जान निकलती है वो जाता है तो। ठीक है, तो पीएल को, पी से पल्स, एल से लाइसिन, दाल में लाइसिन होता है, अनाज में मेथियोनिन होता है, और एक दूसरे का अपोजिट होता है, जो दाल में होगा वो अनाज में नहीं होगा, जो अनाज में होगा दाल में नहीं होगा। समझ गए बात को? मतलब अनाज में कमी रहती है किसकी? लाइसिन की, और दाल में कमी रहेगी मेथियोनिन की। इसीलिए हमारे माताजी भले हमारी जैसे न्यूट्रिशनिस्ट नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन दाल चावल खिलाती थी, खिचड़ी खिलाती थी, जिससे कि बालकों का पूर्ण रूप से डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है, समझ गए बात को? अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, दूध का प्रोटीन कहलाता है, क्या कहते हैं दूध के प्रोटीन को? ग्लोब्यूलिन, लैक्टोल्बुमिन, जीन या इनमें से कोई नहीं? दूध का प्रोटीन कहलाता है लैक्टोअल्बुमिन, लैक्टोल्बुमिन, लैक्टोज दूध का नाम, लैक्टिक एसिड दूध से, तो लैक्टोल्बुमिन इसका प्रोटीन हुआ, याद हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10, मूंगफली की प्रोटीन होती है कौन सी? एरेचिन। एमेंडिन प्रोटीन होता है बादाम का, एरेचिन होता है मूंगफली का, ग्लूटेनिन होता है गेहूं का, आर्जिनिन होता है चावल का, याद आ गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11, फलों में पाए जाने वाला जिलेटिन जो है क्या पूर्ण प्रोटीन है? आंसर गलत, नहीं है पूर्ण प्रोटीन। दूसरा, अपूर्ण प्रोटीन है? नहीं है। कौन सा है? आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन है? नहीं है। तो क्या है इसका आंसर? अपूर्ण प्रोटीन है, बिल्कुल टोटल टोटल अपूर्ण प्रोटीन है। फलों में जो जिलेटिन होता है अपूर्ण प्रोटीन है, समझ गए बात को? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अपूर्ण प्रोटीन। अब क्वेश्चन नंबर 12, न्यूक्लियो प्रोटीन उपस्थित रहता है, न्यूक्लियो प्रोटीन उपस्थित रहता है किसमें? गेहूं के बीज कोष में, अंडे में, हीमोग्लोबिन में या कोशिका में? यही पूछा था, आंसर क्या है बोलो बच्चे, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, टीजीटी पीजीटी सब दे रहे हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन किसमें उपस्थित रहता है? गेहूं के एंडोस्पर्म में, गेहूं के बीज कोष में, आगे समझ में? चलो अब 13 क्वेश्चन, दूध में पाया जाने वाला लैसिथो प्रोटीन है वो क्या है? एक प्रकार का फास्फो प्रोटीन है, एक प्रकार का लाइपो प्रोटीन है, एक प्रकार का न्यूक्लियो प्रोटीन है या इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या है? एक प्रकार का फास्फो प्रोटीन है, दूध में पाया जाने वाला लैसिथो प्रोटीन जो है एक प्रकार का फास्फो प्रोटीन है। लाइपो प्रोटीन मतलब होता है साधारण प्रोटीन प्लस लिपिड, फास्फो प्रोटीन मतलब साधारण प्रोटीन प्लस फास्फोरस, फास्फोस नाम है ना, फास्फो ऊपर वाला। न्यूक्लियो प्रोटीन साधारण प्रोटीन प्लस न्यूक्लियो प्रोटीन किस में रहता है? गेहूं के बीज कोष में। और जो क्वेश्चन नंबर 14, मक्के के जीन में होता है, मक्के का जीन में होता है पूर्ण प्रोटीन या पूर्ण प्रोटीन या आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन या उपरोक्त सभी, ये प्रश्न पूछे थे। तो मक्का का जो प्रोटीन होता है वह कहलाता है जीन, और यह होता है आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन नहीं है, ये पूर्ण प्रोटीन तो है ही नहीं, आंशिक रूप से भी पूर्ण प्रोटीन नहीं है, ये क्या है? अपूर्ण प्रोटीन है, टोटली टोटली अपूर्ण प्रोटीन है। और इसीलिए मक्का जब खाते हैं ना, तो मक्के के साथ दाल खा लो, मक्के को दूध में खाओ, दही में खाओ, कुछ भी खाओ, क्योंकि उसकी प्रोटीन जो होता है तो बहुत निष्क्रिय टाइप का होता है, निकृष्ट प्रकार का होता है, उत्तम प्रकार का नहीं होता है। 15, अस्थियों की प्रोटीन कहलाती है, क्वेश्चन मैंने पूछा था अस्थियों की प्रोटीन कहलाती है, क्या कहते हैं अस्थियों की प्रोटीन को? कोलेजन या ग्लोबिन या हार्डिन या एल्बुमिन, बताया था
अस्थियों की प्रोटीन कहलाती है कोलेजन, रक्त की प्रोटीन को कहते हैं ग्लोबिन, पढ़ाया था ना हीमोग्लोबिन, जिसमें हीम नामक लौह तत्व और ग्लोबिन नामक प्रोटीन, हार्डिन जौ की प्रोटीन को हार्डिन बोलते हैं, और एल्बुमिन अंडे की प्रोटीन को हम एल्बुमिन बोलते हैं, याद है ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 में, प्राणी जगत से प्राप्त होने वाला प्रोटीन होता है पूर्ण या आंशिक रूप से पूर्ण या इनमें से कोई नहीं। आंसर वही है, आपने समझ लिया होगा, यह प्राणी जगत से प्राप्त होने वाला प्रोटीन होता है पूर्ण प्रोटीन। इसमें सभी 10 अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, ल्यूसीन, लाइसीन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन, जितने भी 10 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं सारे इसमें उपस्थित रहते हैं प्राणी जगत से। इसलिए दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, यकृत, ये सब प्रोटीन के उत्कृष्ट स्रोत है, प्रोटीन प्राप्ति के ये बढ़िया स्रोत है, इससे बढ़िया कोई स्रोत हो ही नहीं सकता। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 17, अनाज फल एवं सब्जियों में होता है, अनाज फल और सब्जियों में होता है पूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन या आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। अनाज फल और सब्जियों में जो प्रोटीन मिलता है वह होता है अपूर्ण प्रोटीन, जिससे हमारी बॉडी का डेवलपमेंट विकास नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है, यह निर्माण का कार्य नहीं करता है। निर्माण कार्य करने के लिए हमें प्राणी जगत से प्राप्त आहार को लेना चाहिए। सूखे मेवे में भी मिलता है, इसमें सूखे मेवे में 9 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलते हैं। ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ, फिर जाने की इजाजत दो, थैंक यू।